भाजपा से टिकट कटने के बाद गोकुल सेतिया ने नामांकन के आखिरी दिन सिरसा के लघु सचिवालय में आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गोकुल सेतिया ने कहा कि इनेलो ने उन्हें समर्थन दिया है, जिसके बाद उनकी जीत सुनिश्चित है। गौरतलब है कि इनेलो ने सिरसा विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। इनेलो ने सिरसा से निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया को अपना समर्थन दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गोकुल ने रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी जीत का दावा किया। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमें समर्थन दिया है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे संघर्ष को देखा और उनको विश्वास था कि ये व्यक्ति सिरसा की भलाई कर सकता है, सिरसा के काम कर सकता है, सिरसा का सेवादार बनके। तो इंडियन नेशनल लोकदल का मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से और भी संगठन ये चीज़ समझेंगे कि कौन काम करने वाला है और कौन केवल सिरसा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसा है, हमारा जो मुकाबला है वो केवल और केवल हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनका है कि हमने क्या लेके आना है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं उनके खिलाफ, उनसे हमारा मुकाबला है कि हम किस तरीके से नशे को हमारे इलाके में ख़त्म करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी लेके आएं। और जो लोगों को रोज़ सीवरेज पानी की दिक्कतें हो रही हैं, थेड़ की प्रॉब्लम है, नहरों की शुरुआत जो अब होने जा रही है उसके साथ पक्के खाले कराने हैं, नाले कराने हैं, तो वो हमारी प्राथमिकता रही।